हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। व्यूअर्स, अगर किसी की आंखों में नंबर है और वो चश्मे का इस्तेमाल करता है तो इस सोच के साथ इस्तेमाल करता है कि अगर वो चश्मे को प्रॉपर और सही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो आंखों में नंबर और नहीं बढ़ेगा। और कहा भी यही जाता है कि अगर हम प्रॉपर चश्मे का इस्तेमाल करें तो आंखों में नंबर नहीं बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंप्लेन करते हैं कि वो कई साल से चश्मे का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी चश्मे का नंबर उनका चेंज हो जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। व्यूअर्स, चश्मे का इस्तेमाल बिल्कुल सच है कि आँखों के नंबर को स्टेबल रखता है, और जो आँखों पर स्ट्रेन पड़ता है, आँखों पर जो दबाव पड़ता है चीज़ों को देखने के लिए, वो जब नहीं पड़ता तो आँखें रिलैक्स फील करती हैं और हमारा आँखों का नंबर नहीं बढ़ता। लेकिन जहाँ पर ये सोच हमारे मन में रहती है तो हम इस चश्मे का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करते हैं कि कभी कभी हम पूरे पूरे दिन चश्मे को उतारते ही नहीं हैं। लेकिन जब हम चश्मे को नहीं उतारते और पूरे दिन चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो जो आँखों का प्रॉपर मूवमेंट होता है वो भी कम हो जाता है। इसको हम इस तरह से समझेंगे कि मान लीजिए जैसे ये एक होल्डर है, इसको हम समझ लीजिए आँख है। अब जब ये आँख है, इसको ये आँख आधी हमारी अंदर है और बाकी आधी बाहर है। ये कॉर्निया हो गया जिससे कि हम देखते हैं। अभी हम नॉर्मल आई के मूवमेंट की बात कर रहे हैं जहाँ पर चश्मा यूज़ नहीं हो रहा है। तब क्या होता है कि जब भी हमें आँख का इस्तेमाल करना होता है तो आँख, मान लीजिए अप देखना है तो आप ऐसे देखेंगे, आपको डाउन देखना है तो आप ऐसे देखेंगे, आपको लेफ़्ट देखना है तो आप ऐसे देखेंगे, राइट के लिए ऐसे। इससे मतलब ये हुआ कि सर जो है वो एक तरफ एक ही जगह रहेगा लेकिन आँखों का मूवमेंट ज़्यादा रहेगा। लेकिन इसके उलट अगर हम चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो चश्मे में अगर हमें ऊपर देखना है तो हम इस तरह से देखेंगे, थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर रखेंगे। अगर हमें नीचे देखना है तो हम ऐसे, यानी सर को नीचे करेंगे। अगर हमें राइट देखना है तो कोई आ गया तो हम ऐसे देखेंगे, अगर हमें लेफ़्ट देखना है तो ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आँखों का मूवमेंट है वो कम हो जाता है, यानी सर का मूवमेंट बढ़ गया और आँखों का मूवमेंट कम हो गया। तो पूरे दिन हमने अगर चश्मे का इस्तेमाल किया है तो पूरे दिन में आँखों का मूवमेंट कम हो गया। जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने हूँ तो अगर मुझे यहाँ पर कोई चीज़ देखनी है तो मैं यूँ देख सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने चश्मे का इस्तेमाल करना है या मैं चश्मा यूज़ करता हूँ तो मैं उसे ऐसे देखूँगा। मुझे अगर यहाँ देखना है तो मैं ऐसे देखूँगा। तो जो मूवमेंट हमारी आँख का होना चाहिए था मास्क के अंदर ऐसे, तो वो मूवमेंट कम हो गया, बल्कि गर्दन का मूवमेंट ऐसे हुआ। तो ये मूवमेंट हमारा और चश्मे से कम हो जाता है। लेकिन यहाँ मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें चश्मा नहीं लगाना है। मेरा बताने का ये मतलब है कि हम पूरे दिन जब घर से निकलते हैं तब हम चश्मे का इस्तेमाल करें, लेकिन जब हम घर पे वापस आते हैं तो हमें चश्मे को उतार कर थोड़ा सा आँखों को बिना चश्मे के भी रखना चाहिए, जिससे कि जो नॉर्मल घर में हम चीज़ों को देखते हैं, घूम रहे हैं और चीज़ों को देख रहे हैं, वो हम नॉर्मली देखें। उसके लिए जब हम देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमारा आँखों का प्रॉपर मूवमेंट रहेगा, यानी दाएँ बाएँ जहाँ भी हम देख रहे हैं ऊपर नीचे, वो आँखों में प्रॉपर मूवमेंट रहेगा, गर्दन का मूवमेंट कम होगा। तो व्यूअर्स, अगर आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ साथ आँखों के मूवमेंट पे भी ध्यान दें, जिसे हमें बताया भी जाता है कि हमें आँखों को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए। जैसे हम बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही आँखों के विज़न को शार्प रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। व्यूअर्स, आंखों का नंबर ना बढ़े इसके लिए चश्मा, आंखों की एक्सरसाइज और आंखों का मूवमेंट, ये सब ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो से या किसी भी वीडियो से संबंधित कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय।